कोई भी पट्टा पासबुक अभी तक कैंसिल नहीं करे। पट्टा पासबुक ये आंध्र प्रदेश का जो पुराना है अभी तक वही चल रहा है सर, टाइटेड। हाँ अलबत्ता इसके बारे में गौर कर रहे हैं अध्यक्षा, बिल्कुल हाई सिक्योरिटी, जिस तरह भी अपन पासपोर्ट बनाते हैं ना अध्यक्षा, उस तरह के टाइट हम लोग देख रहे हैं ऐसे पासबुक बने जो जिस तरह हमारे जीवन रेड्डी साहब भी गए और हमारे राममोहन रेड्डी साहब भी, क्या वो जेब में आ सके। बड़े इससे पहले बहुत बड़े बड़े पासबुक थे जो जेब में नहीं आ सकते थे। सिन्हा रेड्डी साहब भी बोले कि अगर छोटा पासपोर्ट रहा तो जितना पासपोर्ट के हिसाब से बनाने के लिए हम तो बहुत से लोगों से, एक मद्रास से भी हमारे पास आए पट्टा पासबुक का लिए, और एक इम्पोर्टेड पेपर्स का भी, जैसा पासपोर्ट पर का पेपर आता है अध्यक्ष, उसी तरह का पेपर भी तैयार कर रहे हैं अध्यक्ष। अब तैयार होने के बाद इसको हम कोई कैंसिल नहीं करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। ये आंध्र प्रदेश का पट्टा पासबुक है अध्यक्ष, तेलंगाना का बनने के बाद तेलंगाना का लोगों के साथ बना के उसको हम एक्सचेंज करेंगे अध्यक्ष। और जो ऑनलाइन कर दिया गया अध्यक्ष, जो नकली पासबुक बना चुके पहले या पास लोगों के पास है, वो बैंक में पहले लोन लेते थे, अब लोन नहीं ले सकते अध्यक्ष। ऑनलाइन पूरे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन कर दिया गया, बैंक मैनेजर भी ऑनलाइन में चेक करने के बाद उस पर लोन दे रहा है अध्यक्ष। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, जरूर इसके ऊपर अच्छा से प्रिकॉशन लेते हुए, और हम यही चाहते हमारे फार्मर्स को कोई तकलीफ ना हो अध्यक्ष। फार्मर हमारे लिए असल जान है, हम खाते हैं पीते हैं तो फार्मर्स की मेहनत की वजह से जो पैदावार आती है उसी से खाते हैं, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी करना हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अध्यक्ष। हमारे चारों सब्यूटी जो बोले अध्यक्ष उस पर हम जरूर अमल करते हुए अच्छे से अच्छे पासबुक बनाकर एक्सचेंज करेंगे। और जब तक कोई बिल्कुल 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 अभी देखिए दो तीन आपसे मैं कल ही बताता हूँ, कल ही मैं मंगा के देखा, हमारे मीना साहब भी यही हमारे, तो कल हम देखे तीन चार में एक को हम सेलेक्ट भी करके सीएम से अप्रूवल लेंगे और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के जल्द से जल्द करवा देंगे अध्यक्ष। थैंक यू अध्यक्ष।